नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अयोध्या पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू रामलला के मंदिर पहुंचे और विधिवत पूजा अर्चना कर निर्माण कार्य का जायजा लिया। राम मंदिर ट्रस्ट ने 3D वीडियो के जरिए निर्माण की प्रक्रिया से उपराष्ट्रपति को रूबरू कराया। इस मौके पर वेंकैया नायडू ने रामलला के गर्भगृह के पत्थरों पर श्री राम लिखा, तो वहीं हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचने पर उपराष्ट्रपति का भव्य स्वागत हुआ। हनुमानगढ़ी के मुख्य महंत प्रेम शंकर दास ने उपराष्ट्रपति को चांदी की गदा भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति की पत्नी एम उषा नायडू और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। रामनगरी अयोध्या पहुंचे मशहूर सिंगर सुखविंदर सिंह, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि हनुमान चालीसा एल्बम रिलीज होने से पहले मशहूर सिंगर सुखविंदर सिंह ने रामलला में दर्शन किए, पूजा अर्चना की। इस दौरान हनुमान चालीसा एल्बम को रामलला के चरणों में भेंट किया। वहीं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे के साथ एल्बम रिलीज किया। आपको बता दें कि मशहूर सिंगर सुखविंदर सिंह कई मशहूर गाने अपनी आवाज में दे चुके हैं। उधर कार्यक्रम में पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे ने हनुमान चालीसा अजान जैसे संवेदनशील विषयों को लेकर भी अपनी बात रखी, यानी कि अजान को लेकर भी उन्होंने अपनी बात इस दौरान रखी है। कर्ता धर्ता माननीय श्री प्रवीण सहाय साहब ने जो योजना बनाई थी, उसमें चाय चार्ज लगाने का कार्य मिलिंद परांडे साहब का है। सर को हमारी टीम की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री भवन जितेंद्र सिंह पार्टी की समीक्षा करने आए, जहां उन्होंने कहा कि चुनाव का परिणाम पार्टी की अपेक्षा के अनुसार नहीं रहा है और इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर मैं प्रत्याशियों से बात करने आया हूं और कहीं ना कहीं चुनाव के समय हमारे प्रयास में कमी रह गई थी, उसे कैसे दुरुस्त किया जाए ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम बेहतर कर सकें, इसी पर हमारा फोकस है। कांग्रेस पार्टी ने अभी सीटों पर चुनाव लड़ा, ये भी हमें एक बात मानी थी, और इसका आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि ये इतना बड़ा कदम माननीय प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने उठाया है कि हमने अपने दो पैरों पर खड़े होकर चुनाव की शुरुआत की। हमने कहीं ना कहीं राजनीतिक भी उन जगहों के ऊपर खोल दी, बहुत सारे लोगों ने अच्छे चुनाव लड़ा, कोई नए भी बहुत सारे लोग थे जो चुनाव को भी पहले कभी नहीं लड़ा था, उनको भी एक चुनाव लड़ने के बाद सीधे का मौका मिला, बहुत सारी गलतियां राजधानी लखनऊ के सिकंदरबाग चौराहे पर वर्टिकल गार्डन का काम शुरू हो गया है। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इसकी शुरुआत की है। इसके तहत नगर विकास से जुड़ी योजनाओं में नए जेब्रा क्रॉसिंग, इसके साथ ही चौराहे के सुंदरीकरण का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि मंत्री एके शर्मा 60 दिन की कार्य योजना पर काम कर रहे हैं, जिस पर तेजी से अमलीजामा पहनाया जा रहा है। लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि देर रात स्वयंवर लोन के बाहर तिलकोत्सव में कुछ घासनी हुई थी, जिसके बाद लोग इकट्ठा हो गए। इस बीच आशीष अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकला और लोगों को तेज रफ्तार में रौनते हुए निकल गया। हादसे में करीब 5 से 6 लोग घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने हिट एंड रन केस दर्ज कर फरार आरोपी आशीष यादव और उसके साथ ही राजकुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। अप्रैल की शाम को एक स्वयंवर लॉन में थाना गुसाईगंज में एक तिलक समारोह हो रहा था, उसमें पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोगों ने एक गाड़ी वहां के कुछ व्यक्तियों पर चढ़ा दी है, तो इसमें थाना गुसाईगंज में मुकदमा 164 क्राइम नंबर दर्ज किया गया अंडर सेक्शन 302 एंड अदर्स। इसमें तुरंत कार्रवाई की गई, टीमें गठित की गई और 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया। और अब खबर है लखनऊ से, जहां चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की जमीन पर किसान लंबे समय से खेती करते चले आ रहे हैं। वहीं शुक्रवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उस जमीन पर प्रशासन की मौजूदगी में फेसिंग का काम कराया गया।
इस दौरान कुछ किसानों ने विरोध किया, लेकिन बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल के आगे उनकी एक ना चली। सरोजनी नगर स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर किसान और एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। किसानों का आरोप है कि लगातार 100 सालों से खेती करते चले आ रहे हैं, इसके बावजूद एयरपोर्ट प्रशासन जबरदस्ती उनकी जमीन पर कब्जा करने को उतारू है। लखनऊ में रमजान के जुलूस को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, जिसके चलते थाना शादतगंज प्रभारी सिद्धार्थ मिश्रा के नेतृत्व में रूट मार्च किया गया। रूट मार्च में क्षेत्र के सभी चौकी प्रभारी, महिला पुलिसकर्मी और आरएएफ बटालियन मौजूद रही। साथ ही पुलिस फोर्स के साथ शहर के विभिन्न जगहों पर पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। रमजान के त्यौहार के मद्देनजर रखते हुए लोगों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। और चलिए बात करते हैं लखनऊ की, जहां एक तरफ मेयर संयुक्ता भाटिया पूरे शहर में औचक निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा ले रही हैं। जगह जगह खामियां मिलने पर मेयर बड़ी रकम का चालान भी काट रही हैं, जिससे शहर साफ सुथरा और अतिक्रमण मुक्त जल्द से जल्द नजर आए। अभी हाल ही में खुद मेयर संयुक्ता भाटिया के साथ जोन के आला अधिकारियों ने पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और लोगों का चालान भी काटा था। जो गाड़ी अतिक्रमण कर रही हैं, सड़क पर खड़ी हैं, उनका भी चालान काटा था, लेकिन उनके जाते ही क्षेत्र का ये हाल है। अब देखने वाली बात यह है कि फिर से आला अधिकारियों के इन सब पर नजर कब पड़ती है। रायबरेली की सड़कों पर लंबे अरसे के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुशासित स्वयंसेवी नजर आए। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी और स्वयंसेवियों ने जीआईसी परिसर में इकट्ठा होकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया। वहीं पूर्व वक्ताओं ने आरएसएस के उद्देश्यों, उपयोगिता और आवश्यकता से लोगों को अवगत कराया। इसके बाद स्वयंसेवक नगर भ्रमण के लिए निकले, जहां लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। पथ संचलन जीआईसी परिसर से शुरू होकर अस्पताल चौराहा, डिग्री कॉलेज चौराहा, सुपरमार्केट, घंटाघर, कोतवाली रोड होता हुआ वापस पहुंचा। इस दौरान स्वयंसेवियों का अनुशासन देखते बन रहा था। ये प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक पथ संचलन का कार्यक्रम होता है। इसमें सभी स्वयंसेवक अपना पूर्ण गणवेश में और नगर के विभिन्न जो मार्ग निश्चित किया जाता है उसमें पथ संचलन का कार्यक्रम करते हैं अनुशासित ढंग से। राजधानी लखनऊ के सिकंदर बाग चौराहे पर वर्टिकल गार्डन का काम शुरू हो चुका है। वहीं नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शुरुआत की। नगर विकास से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत की गई है। नए जेब्रा क्रॉसिंग ए चौराहे के सुंदरीकरण का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि एके शर्मा 60 दिन की कार्य योजना पर लगातार काम कर रहे हैं और इसका नतीजा भी अब देखने को मिल रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक को डंडों से पीटा जा रहा है। वीडियो में युवक को पीटते पीटते मुर्गा भी बना दिया गया। बताया जा रहा है कि वीडियो में डंडे से पिटाई करने वाला युवक कोई आम आदमी नहीं बल्कि बीजेपी नेता है। मामला शाहजहांपुर जनपद के सदर बाजार थाना क्षेत्र के कटिया टोला इलाके का है। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। मेरी
लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी के हबीरपुर गांव में विस्फोट हुआ है। जानकारी के मुताबिक विस्फोट एक खंडर नुमा घर में हुआ है, जिसके बाद पास में बंधे गौवंश का पैर झुलस गया है। विस्फोट होने के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है। आज सुबह थाना सुशांत गोल्फ सिटी के अवध विहार चौकी क्षेत्र में एक धमाके की आवाज की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और उस एरिया को सील कर दिया गया है। एक खंडर सा छोटा सा कमरा बना हुआ है, जिसमें कुछ गोबर और पड़ा है। वहां पर एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी गई थी, जिसमें एक गाय का बछड़ा पास में था, उसके टांग झुलस गई है। वेट डॉक्टर को बुलाकर उसको इलाज कर दिया गया है और स्थिति सामान्य है। बॉम्ब डिस्पोजल टीम भी मौके पर है। अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है कि किस कारण से ये धमाका हुआ है, लेकिन धमाके की इंटेंसिटी लो थी और ये फायर क्रैकर है या कुछ अभी कहना संभव नहीं है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड टीम और FSL टीम मौके पर है, आगे की कार्रवाई पर। और अब खबर है प्रतापगढ़ से, जहां एक डॉक्टर ने एम्बुलेंस के हूटर बजाने पर हड़कंप मचा दिया। दरअसल एम्बुलेंस देर रात एक साल के बच्चे को गंभीर हालत में लेकर माधानता PSC लेकर पहुंची थी, जिसके बाद डॉक्टर का पारा हाई हो गया और गुस्से में एम्बुलेंस के EMT पर गाली की बौछार करने लगा। डॉक्टर ने कहा है तो गिरा कितना जूता मारूं कि आज के बाद अगर एम्बुलेंस यहां घुसी तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। एंट्री हुई गाड़ी और यहाँ खड़ी गाड़ी हूटर बजा, यहाँ हूटर बजा तो गिरा कितना जूता मारूं। नहीं, MT बात कर रहे हैं जी। कैसे बताइए, हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर साहब थे हॉस्पिटल में? कहाँ थे? बाहर। इसके बाद जब मैं रूम पे गया तो रूम पे भी नहीं मिले? रूम पे भी नहीं मिले। फिर उसके बाद आप मैडम से मंदिर में थे, उसमें देखने गए मंदिर से, उससे पूछे कि मैडम जी डॉक्टर साहब कहाँ गए, तो बोले रूम पर जाओ। आप जब रूम पर गए तो वहाँ भी नहीं थे आप, फिर आके हूटर बजाने लगे। हूटर बजाने लगे तो डॉक्टर साहब बाहर से आए, बोल रहे कि हूटर क्यों बजा रहे हो, तो मरीज हमारा सीरियस है तो भी बजा रहे थे हूटर, तो डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए, तो डॉक्टर साहब गाड़ी से चुनाव करने लगे कि हूटर क्यों बजा रहे हो। यूपी में 650 कैदियों को रिहा किया जाएगा। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि विभिन्न जेलों में बंद 650 कैदियों को छोड़ने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए समीक्षा कमेटी बना दी गई है, जो अगले 6 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी। आपको बता दें कि इस लिस्ट में वो कैदी होते हैं जो आर्थिक दंड नहीं भर पाते या बुजुर्ग हो जाते हैं। और चलिए बात करते हैं लखनऊ की, जहां एक बार फिर से मोहन भागवत ने एक बयान दिया है जो सुर्खियों में आ गया। उन्होंने कहा है कि 15 साल में फिर से अखंड भारत वाले बयान का समर्थन हम करते हैं। दरअसल राज्य मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। मैंकेश्वर ने मोहन भागवत के बयान के सवाल पर कहा है कि ये तो निश्चित है कि एक ना एक दिन ये तो होना ही है, और किस तरह से होगा, क्या युद्ध होगा, तो उन्होंने कहा कि समय है, समय का इंतजार कीजिए, समय एक ना एक दिन तो आएगा ही। आपको बता दें कि मयंकेश्वर शरण सिंह बाबा साहेब की जयंती का कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने ये बात कही। तो सुर्खियों में है मोहन भागवत का बयान, और इसके साथ ही अब जो कई मंत्री हैं BJP के, वो भी उनके इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह शरण ने कहा है कि मोहन भागवत की ओर से जो कुछ कहा गया है वो बिल्कुल ठीक है, और आज नहीं तो कल ये होना ही है और इस दिशा में हमें आगे बढ़ना ही होगा। तो जिस तरीके से अखंड भारत को लेकर एक बड़ा बयान यहाँ पर दिया गया है, उसको लेकर अब तमाम जो समर्थन है वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नगरपालिका परिषद पडरौना के अध्यक्ष विजय जायसवाल ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए विजय जायसवाल ने कहा है कि शोषित और वंचित समाज के प्रखर स्वर रहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान की आत्माएं। साथ ही उन्होंने बताया है कि
बीते चार वर्षों से लगातार नगर में मौजूद सभी राष्ट्र पुरुषों और महापुरुषों की प्रतिमाओं की प्रतिदिन धुलाई, सफाई और माल्यार्पण किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष जायसवाल, निरीक्षक रवि प्रताप सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कल 131वीं जयंती थी और इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जहां पर भीमराव अम्बेडकर को पुष्प अर्पित किए, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसकी तस्वीरें आपको यहां पर हम दिखा रहे हैं। कुशीनगर के पडरौना में बाबा साहेब की 131वीं जयंती पर बीजेपी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसके बाद प्रदेश महामंत्री डॉक्टर शकुंतला चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व की सरकारें बाबा साहेब को लेकर केवल बातें करती रहीं लेकिन धरातल पर उनकी यादों को सजोने के लिए कुछ नहीं किया। तो किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस को और कांग्रेस नेताओं को भी कोसा कि कांग्रेस जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात तो करती है लेकिन उनके बताए मार्ग पर चलने और इसके साथ ही उनके किए कामों को किस तरीके से आगे लेकर जाना है वो काम बीजेपी पार्टी बखूबी कर रही है लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ बखान किया इसका लेकिन काम कोई नहीं किया। तो कुशीनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पहचान दिलाई भारत का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो रीतियां नीतियां हैं जो शीर्ष नेतृत्व है और श्रम और समर्पण का आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो नेतृत्व मिला है भारत को जिसने वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई भारत का कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो रीतियां नीतियां हैं जो शीर्ष नेतृत्व है और श्रम और समर्पण का आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो नेतृत्व मिला है भारत को जिसने वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई भारत का कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो रीतियां नीतियां हैं जो शीर्ष नेतृत्व है और श्रम और समर्पण का आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो नेतृत्व मिला है भारत को जिसने वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई भारत का कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो रीतियां नीतियां हैं जो शीर्ष नेतृत्व है और श्रम और समर्पण का आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो नेतृत्व मिला है भारत को जिसने वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई भारत का कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो रीतियां नीतियां हैं जो शीर्ष नेतृत्व है और श्रम और समर्पण का आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो नेतृत्व मिला है भारत को जिसने वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई भारत का कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो रीतियां नीतियां हैं जो शीर्ष नेतृत्व है और श्रम और समर्पण का। कुशीनगर के पडरौना में कांग्रेस पार्टी के जिला कांग्रेस कार्यालय का शुभारंभ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू के हाथों किया गया। कार्यालय के उद्घाटन के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान अजय कुमार लल्लू ने कहा कि बाबा साहब ने असमानता के भाव को मिटाते हुए लोगों को समानता का अधिकार दिलाया और ऐसे संविधान का निर्माण किया जहां सबको बराबरी का हक हो।
लेकिन अफसोस आज उसी संविधान को तार तार किया जा रहा है। आज न्यायपालिका का कार्य कार्यपालिका कर रही है, जबकि संविधान में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। इसमें ढेर सारी कमियां, मेरा सवाल है मुख्यमंत्री से, ये पेट्रोल पंप और उसके सजा क्या करते हुए, इसमें ढेर सारी कमियां थी, मेरा सवाल है मुख्यमंत्री से, ये पेट्रोल पंप और उसके सजा क्या करते हुए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के मौके पर कांग्रेस पार्टी की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आपको बता दें कि यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू शामिल हुए और यहां मौजूद लोगों को उन्होंने संबोधित किया। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी सरकार के ऊपर उन्होंने जमकर निशाना साधा। कुशीनगर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और कांग्रेस के जिला मुख्यालय का शुभारंभ तो इस मौके पर किया ही गया। इसके साथ ही यहां कांग्रेस पार्टी की ओर से बीजेपी को और बीजेपी सरकार को जमकर घेरा गया। और चलिए कानपुर की बात करते हैं, जहां कानपुर पुलिस ने साल 1944 में हुई घटना को याद किया। आपको बता दें कि मुंबई में साल 1944 को मालवाहक जहाज फोर्ट स्टीफन में लगी आग को बुझाने में 66 अग्निशमन जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। वीरगति प्राप्त बलिदानियों के सम्मान में हर साल 14 अप्रैल को अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके तहत कानपुर पुलिस की ओर से एक सप्ताह तक लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। अग्निशमन विभाग प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को स्मृति दिवस के रूप में मनाता है और हर वर्ष 14 अप्रैल से एक सप्ताह लगातार बलिदानियों के विरुद्ध जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। देखिए 1944 में जो घटना हुई थी उसमें फोर्ट स्टिकर नामक एक जहाज था जो कि विस्फोटकों से भरा हुआ था और उसमें जब आग लग गई तो बॉम्बे फायर सर्विस के हमारे फायर कर्मी उसको बुझाने के लिए गए। इसी बीच में आग काफी बढ़ गई और उसमें करीब 66 फायर कर्मी शहीद हुए थे। उन्हीं की स्मृति में ये आज ये दिवस मनाया जाता है। मुख्य उद्देश्य इसका यह है कि आज के दिन उनके बलिदान को हम उनको श्रद्धांजलि दें, साथ ही साथ लोगों में एक अवेयरनेस फैलाएं, लोगों में एक जानकारी दें कि फायर से किस तरीके से बचा जाए और किस तरीके से उनको सहूलियतें दी जाएं। और हमारे जो जितने भी इसी बीच इसके आज के दिन उनको भी हम याद करते हैं, जो हमारे फायर सर्विस के जो पुलिसकर्मी हैं जो कि विगत वर्षों में शहीद हुए, आज उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही साथ पूरे एक सप्ताह का ये फायर सेफ्टी वीक मनाया जाएगा जिसके अंदर विभिन्न तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हाटा कोतवाली क्षेत्र में बिजली के खंभे से शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिसकी वजह से 25 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना पर राजस्व विभाग के से संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा भी लिया। कोई से नहीं बा। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।